स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। एंगुलर डिप्रेशन एक 8 मीटर लंबी बिल्डिंग का टॉप और बॉटम का कितना कितना है, 30 और 45 है, कहाँ से, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो आपको उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। अब देखो इसने एंगुलर डिप्रेशन दे रखा है एक 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का, इसका मतलब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो इससे ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है जी। अब इसने बोला है इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का और बॉटम का दे रखा है आपको 30 और 45। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये एंगल हो गया हमारा 30 और ये एंगल हो गया हमारा 45। तो इसी के हिसाब से ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 और ये एंगल हो जाएगा हमारा 45। अब इसका जो लेंथ है मतलब हाइट है वो 8 मीटर है, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया x, ये भी हो जाएगा x और ये हो जाएगा, इसको लेट कर देते हैं h या y कुछ भी, ये हो गया y, ठीक है। अब इनको नेम दे देते हैं, ये हो गया a b c d e, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले छोटा वाले ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं ABC में, इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, BC अपॉन में AB हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan 30। अब BC की जगह पे आ गया H अपॉन में X इज इक्वल टू tan 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, X इज इक्वल टू H रूट 3, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है जी। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इन राइट ट्राइंगल DEC में, बड़े वाले में DEC में, भाई CE अपॉन में DE इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, है ना। तो यहाँ से CE की वैल्यू है H प्लस का, CE की वैल्यू हमारी H प्लस का 8 अपॉन में X इज इक्वल टू tan 45 होता है 1, यहाँ से H प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया X, ठीक है। अब बाई इक्वेशन 1 X की वैल्यू पुट करेंगे बाई यूजिंग इक्वेशन 1, H की जगह पे X, H प्लस 8, X की जगह पे आएगा H रूट 3। अब H को उधर देखे जाएंगे, 8 इज इक्वल टू आएगा H रूट 3 माइनस का H, यहाँ से H को मान लेंगे तो आएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से H इज इक्वल टू आएगा 8 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, फिर यहाँ पे इसका रेशनलाइज कराएंगे रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से ऊपर आ गया 8 रूट 3 प्लस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2, उसे 8 कटेगा तो आएगा 4 रूट 3 प्लस 1, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। इसको हम इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा h रूट 3 है तो h की जगह पे 4 रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे रूट 3, अब रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x इज इक्वल टू आएगा 4 और यहाँ पे 3 प्लस का रूट 3 मीटर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है h प्लस का 8, तो h की वैल्यू हमारी आई है 4 रूट 3 प्लस का 1 प्लस का 8, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो आएगा रूट 3 प्लस 1 प्लस का 2, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो आएगा रूट 3 प्लस का 3 मीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया हाइट। उसका इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है x और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4 रूट 3 प्लस का 3 मीटर, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ठीक है जी, क्लियर है।